किचन में आपका स्वागत है और मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए अब इसमें डालेंगे एक कप पानी और पानी में जब उबाल आ जाएगा, देखिए पानी हमारा उबलने लगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक, उसके बाद डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब अच्छी तरह इसमें उबाल आ रही है, अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। और बेसन को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, गरम में ही हमें फटाफट मिक्स करना है। और देख सकते हैं आप अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब इसको हम एक प्लेट लेंगे, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके ना। और इसको हम अच्छे से अपनी उंगलियों से फैला लेंगे और अब इसमें हम, चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल, हो चुका है, अब हम इसे इस प्लेट पे निकाल लेंगे। फटाफट से हमें गर्म में ही इसको निकालना है और इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ठंडा होने पे अच्छे से नहीं फैलेगा, तो हमें गर्म में ही इसको अच्छे से फैला लेना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, ठीक ठीक रखना है हमें इसे। और बस चलिए अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख लेंगे, ठंडा हो गया है, अब इसे हम काट लेते हैं। जैसे चाहिए आपको लंबाई शेप में, स्क्वायर शेप में या फिर बर्फी की शेप में, जैसे भी चाहें आप काट सकते हैं इसको। तो हम इसको अच्छे तरीके से काट लेते हैं। कट कर लिया मैंने सारा, अब चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल मैंने पहले से गरम कर लिया है, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। अब इसे हम पलट लेंगे, देख सकते हैं आप कलर हमारा अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है देखने में। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम सारे ऐसे ही बना लेंगे। अब इसकी हम ग्रेवी बना लेंगे, इसमें डालेंगे जीरा, मेथी दाना, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वादानुसार, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढक लेंगे 2 मिनट के लिए, हम लो फ्लेम पे इसको ढक देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर और प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला, तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया यहाँ पे,
इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद डालेंगे जीरा पाउडर। उसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और मसाला हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन का घोल, मैंने 1 से 2 चम्मच बेसन लेके और उसका घोल तैयार किया था, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें पानी। इसके बाद हम ढक देंगे इसको लो फ्लेम 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो हम गट्टे बना के रखे थे बेसन के, वो डाल देंगे इसमें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।